अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये बताइए, आज सुबह क्या किया था, कल क्या किया था? खेला था, पढ़ा था, वेरी गुड। और क्या किया था? काम किया था, काम कंप्लीट कर लिया सारा, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया था, टीचर को भी भेज दिया था, वेरी नाइस। तो आज क्या करें, आज क्या करें, नया काम करें? सही, नया काम करते हैं, लेकिन पहले आप ये करते हैं कि आपने जो कल काम किया था, आपने अच्छे से उसको पढ़ा, समझा, रीचेक करते हैं उसको, रीचेक। जी, जब हम काम को कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी काम कर लें अपना, तो उसको दोबारा ज़रूर पढ़ते हैं, दोबारा ज़रूर देखते हैं कि कहीं कोई नुक्ता तो नहीं रह गया, कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई है। जी, ये काम ज़रूर किया करें। अपना सारा काम करने के बाद खुद टीचर बन जाया करें। हाँ, पहले अपना काम खुद से चेक किया करें कि भाई मैंने सारा काम ठीक कर दिया है, उसके बाद जो है अपनी टीचर को भेजा करें। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी गलती रह गई है तो अब वो आप खुद से सही कर लेंगे, है ना? चले जी, अब हम क्या करते हैं, आज हम नया काम करते हैं और नए काम का आगाज करेंगे। हम खोलेंगे अपनी किताब उर्दू सिलसिला साल अव्वल, ठीक है जी। और उसका सफ़ा नंबर कौन सा निकालेंगे? सफ़ा नंबर निकालेंगे हम 19। जी, ये मौजूद है हमारा सफ़ा नंबर 19। और 19 पे हमारी आज की जो मश्क मौजूद है वो है अल्फाज साजी की। अल्फाज साजी की मश्क मौजूद है और अल्फाज साजी में हमें इतने ढेरों हर्फ नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से हैं ज़रा मुझे पढ़ के सुनाएंगे? ये कौन से हर्फ कहलाते हैं, क्या हैं ये बताइए? आपने पढ़ा हुआ है ये? हाँ, आप बताइए ये क्या हर्फ हैं, कौन से हर्फ हैं, क्या कहलाते हैं? जी, ये हैं भारी आवाज़ें। ये कौन सी आवाज़ें कहलाती हैं? ये कहलाती हैं भारी आवाज़ें, भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ें क्या होती हैं जी? जिनके बोलने से जो है पेपर हिलता था और उसमें हवा आती है, जैसे बोलते हैं हम ब ब, नहीं आ रही, भा भा हवा आ रही है ना, इसी तरह से प प हवा नहीं आ रही, प प। जी, इसे कहते हैं भारी आवाजें, भारी आवाजें, जिसमें दो तश्मीह साथ में होता है। देखिए, सारी आवाजों के साथ में क्या मौजूद है? तो वो तश्मीहें मौजूद है, जिसकी वजह से इन सारी आवाज़ों को हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं भारी आवाज़ें, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ये क्या मौजूद है, हम कैसी आवाज़ें हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। भ भ भ फ फ फ थ थ थ ठ ठ ठ झ झ झ छ छ छ ध ध ध ढ ढ ढ र र र ळ ळ ळ ख ख ख ग ग ग ल ल ल म म म न न न। यस, हमने सारी आवाज़ें पढ़ ली हैं। अब क्या करना है इन आवाज़ों के साथ में? पढ़ते हैं, भारी आवाज़ों से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखिए। इन सारे अल्फाज, इन आवाज़ों से शुरू होकर हमारे पास ऐसे अल्फाज आने चाहिए जो कि इन आवाज़ों से शुरू होते हैं। अब मुझे बताइए जी, कौन कौन से जो हैं हमारे पास अल्फाज मौजूद होते हैं? वैसे बताइए पहले तो मुझे, कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं? भालू, वेरी गुड, भालू। झूला है ना, फूल। और क्या हो सकता है भाई? ठेला। और क्या हो सकता है भाई, क्या बताइए? खेल, घर। और कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं?
आप भी बताइए ना भाई, जल्दी से बताइए। ढाबा, यस ढाबा हो सकता है। तो अब आपको ये पता चला कि जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो हैं अल्फाज आए जो कि इन भारी आवाज़ों से शुरू हो रहे हैं, है ना। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा ढूंढते हैं कि हमारे पास जो ये सबक मौजूद था, इस सबक के अंदर हम ऐसे अल्फाज ढूंढते हैं जिसको जिनको जो है वो भारी आवाज़ के साथ में शुरू हुए हैं या उनमें मौजूद हैं। ठीक है जी, तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं या हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ आ सकते हैं। हम कुछ लफ्ज़ ऐसे बनाएं जो हम खुद से बनाएं, कुछ लफ्ज़ ऐसे हों जो कि हमें सबक से निकालें। ठीक है ना, तो हम इस सबक को पढ़ सकते हैं। आप इस सबक को पढ़िए और उसमें देखिए कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद है जो कि भारी आवाज़ों से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, हम आपको कुछ लफ्ज़ बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ लफ्ज़ बताऊंगी, आप उन लफ्ज़ को लिख सकते हैं। चाहे तो आप वो लफ्ज़ भी लिख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। जी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मैंने लिखवाया है, जो सिर्फ मैंने बताया है, सिर्फ आप वो ही लिखेंगे। नहीं भाई, आप सिर्फ मेरी बात को समझेंगे गौर से और आप मैं जो हरूफ लिखवाऊंगी, मैं जो लफ्ज़ लिखवाऊंगी, आप वो लिखें। चाहे आपको कोई और समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। चले, हम मैंने कुछ आपको लफ्ज़ बताए थे, अब कुछ लफ्ज़ मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, चलें जी, पहला लफ्ज़ हम यहाँ लिखेंगे भरना, 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 भरना। दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। जी यहाँ पे मौजूद है ना इस सबक में, फड़फड़ाना, 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 वेरी गुड। धुआं, 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 धुआं उठता है ना, हाँ जी धुआं भी निकलता है। और कौन सा लफ्ज़ हमारे पास है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, फल, फल, फल। और उसके बाद भूखा, भूखा, भूखा। हमारे पास पांच लफ्ज़ मैंने आपको लिखवा दिए और कुछ लफ्ज़ मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है ना, आप ये लफ्ज़ लिख सकते हैं, आप उससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे आप वो लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, और कोई आपको और समझ में आता है तो आप वो लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें और उनको बताइए कि भारी आवाज़ों से शुरू होने वाले लफ्ज़ कौन से होते हैं। आप भी उनको बताइए, आप भी उनसे पूछें। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि भारी आवाज़ें क्या होती हैं, उनसे शुरू होने वाले अल्फाज कैसे होते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका काम कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में, और जब टीचर हमें कॉल करेंगी तो हम उस काम की पिक्चर उन्हें भेज देंगे। कल मिलेंगे नए मश्क के साथ में। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.